हे गाइस, वेलकम बैक टू पल्लवीज हेल्थ पॉकेट। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बटर गार्लिक प्रॉन की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है खाने में, पर बनाना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले पैन को हीट करना है और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ज़्यादा ऑयल हमें यूज़ नहीं करना है। और साथ में मैं उसमें 1/2 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ। बटर अगर मेल्ट होने लगे, जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे अदर इंग्रेडिएंट्स, तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगी उसमें चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स ऐड करने से पहले फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे। तो सबसे पहले चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिली बहुत जल्दी जल जाता है। साथ में मैं ऐड करूंगी चॉप्ड गार्लिक। मैंने 7 से 8 गार्लिक को चॉप कर लिया बिल्कुल फाइनली। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि गार्लिक को हमें जलने नहीं देना, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस अच्छी खुशबू आनी चाहिए उसमें से। तब तक हम इसमें प्रॉन ऐड कर देंगे। ये डी शेल्ड और डी वेंड प्रॉन है, जो कि आप लीशियस से मंगवा सकते हैं। और अगर आपको मार्केट से लेकर आना है और घर पे डी वेन या डी शेल करना है, तो मेरी एक और रेसिपी है प्रॉन चेटिनाड की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार इसमें चेकआउट करना। और ये प्रॉन जैसे ही आपका रोल हो जाए, आप समझना कि प्रॉन कुक हो चुका है। तो लास्ट में इसमें ऐड कर रहे हैं हम सॉल्ट एंड पेपर। अब इसे हमें थोड़ा सा और कुक करना है, ताकि ऊपर थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए। तो इसकी अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काश मैं आपको ये खुशबू अपने कैमरे के थ्रू भेज पाती। एनीवेज, आप बनाना और बताना कि कैसी है ये रेसिपी। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें चॉप धनिया ऐड कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा कलरफुल बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल ग्रीन रेड कलर का, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो हमारा जो प्रॉन है ये ऑलमोस्ट डन है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो नए हैं वो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब